नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या ने साल जुलाई में तलाक ले लिया। दोनों सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर चुके हैं और बेटे अगस्त को साथ पालने पोषने की भी जानकारी दी थी। दोनों अलग होने के बावजूद अगस्त के को पेरेंट हैं। तलाक के बाद नताशा सर्बिया चली गयी। लोगों ने कयास लगाया कि वो अपने देश में भी बस जाएंगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तलाक के दो महीने बाद एक म्यूजिक वीडियो में काम किया और अब प्रोफेशनल फ्रंट पर एक्टिवली काम कर रही हैं। इन दिनों वो अपने खास दोस्त और फिटनेस ट्रेनर अलेक्जेंडर एलेक्स इलिक के साथ नजर आ रही हैं। इस बीच उन्होंने तलाक और अपने एक्स हस्बैंड के साथ बेटे की परवरिश के बारे में भी बात। नताशा ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उनके बारे में गलत सोचते हैं। नताशा ने कहा, लोगों को लगता है कि मुझ में ही कोई बुराई है और मैंने ही हार्दिक को धोखा दिया है, ऐसा नहीं है। नताशा ने इंटरव्यू में कहा, हार्दिक पांड्या मेरा पास्ट है और अब मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अपनी पर्सनल चीजों को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही जरूरी है। नताशा ने आगे कहा, आजकल लोग जजमेंटल हो गए हैं, आपको देखकर ही काफी कुछ सोच लेते हैं। मैं कुछ नहीं कहती हूँ, पहले भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन लोग अनुमान लगा लेते थे। जो लोग मुझे नहीं जानते वो भी मेरे बारे में सोच लेते हैं, हालांकि इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सोचने दो जैसा वो सोचना चाहते हैं। मैं लोगों से ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें। अगर मुझे सबको खुश करना होगा तो मुझे आइसक्रीम बेचनी होगी। मैं एक सिंपल जिंदगी जीना चाहती हूँ, प्लीज मुझे शांति दो। मुझे लाइमलाइट में नहीं रहना। मुझे पता है कि मैंने जिंदगी में क्या क्या किया है, मुझे पता है मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या क्या करना है। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती हूँ। नताशा स्टैनकोविक ने कहा कि बेटे अगस्त की वजह से हार्दिक पांड्या अब भी उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। नताशा का मानना है कि अगस्त को माता पिता दोनों की जरूरत है। नताशा ने कहा, हम हार्दिक और मैं अभी भी एक फैमिली हैं। हमारा एक बच्चा है और बच्चा हमेशा हमें एक फैमिली के तौर पर देखेगा। नताशा स्टैनकोविक ने आगे कहा, मैंने वैसे भी ऐसा नहीं किया है क्योंकि अगस्त को दोनों के साथ रहने की जरूरत है। नताशा ने सर्बिया वापस जाकर बसने की अफवाहों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 10 साल हो गए हैं और मैं हर साल उसी समय सर्बिया वापस जाती हूँ। मैं वहाँ सेटल नहीं होंगी। अगस्त का स्कूल भारत में है, मैं उसकी एजुकेशन में कोई बाधा नहीं डालना चाहती हूँ। फिलहाल नताशा के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।